अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शमास किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी सेवैयाँ, भुनी हुई सेवैयाँ या वर्मिसली कह लें आप। तो मैंने सोचा कि नाश्ते में भी बहुत लोग ये पसंद करते हैं भुनी हुई सेवैयाँ, और ईद के मौके पे भी ये बनाई जाती है, जैसे कि ईद करीब है, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना ये भी रेसिपी सिखाई जाए। तो चलिए जी व्यूअर्स, हमें इस रेसिपी के लिए जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक पैकेट रखा हुआ है जो कि 150 ग्राम का है, सेवैयाँ रखी हुई है मेरे पास। और अगर आप बनाना चाहते हैं दो पैकेट या आप मकदार में ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ये सारे जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स पड़ी हुई हैं आप इसे जो है दुगना ले लीजिएगा, मतलब डबल ले लीजिएगा। जैसे चीनी यहाँ पे मेरे पास एक कप रखी हुई है, आप दो कप ले लीजिएगा, तो आपने खुद इसका जो मकदार है इसकी डबल कर देनी है। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक कप चीनी रखी हुई है मेरे पास भर के, और हाफ बोल मेरे पास जो है देसी घी रखा हुआ है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी या किसी भी कंपनी का घी यूज़ कर सकते हैं, घी से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पर मेरे पास 5 अदद इलायची रखी हुई है, खोया रखा हुआ है जो कि अनस्वीटेंड है, मीठा नहीं है, सादा खोया रखा हुआ है, पिस्ते हैं जो कि मैंने चॉप कर लिए थे, और यहाँ पे मेरे पास किशमिश रखी हुई है और बादाम रखे हुए हैं, उन्हें भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो चलिए जी व्यूअर्स, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक छोटा सा पैन मैंने ले लिया है और इसमें मैं एक ग्लास पानी ऐड करूँगी, और यहाँ पे मेरे पास एक कप चीनी रखी हुई है, इसमें वो ऐड कर दूँगी मैं। चीनी जैसे ही पिघलने लगेगी तो हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक पैन मैंने दूसरा ले लिया है, इसकी फ्लेम ऑन कर देंगे हम। और सबसे पहले हम इसमें घी ऐड करेंगे, आधी प्याली है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ये मेल्ट होगा फिर बताती हूँ मैं आपको क्या आगे क्या करना है। चलिए जी व्यूअर्स, ये मेल्ट हो चुका है घी हमारा। अब सबसे पहले हम इसमें, यहाँ पे जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे 2 टेबल स्पून जितने मैंने लिए हैं, आप लोग काजू भी ऐड कर सकते हैं या अपने मर्जी का कोई और भी अपना पसंदीदा ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। चलिए जी व्यूअर्स, ये 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करके इसे निकाल लूँगी। हमने इसे सिर्फ रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। आप देख सकते हैं किशमिश भी हमारे जो है फूल गए हैं, इसे निकाल लेंगे हम। चलिए जी व्यूअर्स, मैं ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल दिए थे। अब इसी सेम घी में मैं ये इलायची डाल दूँगी, और जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे हम इसमें सेवैयाँ डाल देंगे। चलिए जी व्यूअर्स, इसकी खुशबू आने लगी। अब यहाँ पे मेरे पास जो सेवैयाँ रखी हुई हैं हम इस तरीके से तोड़ के इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइज़ में लंबी होती हैं तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा इस तरीके से। हम डाल लेंगे और अब हम इसे रोस्ट होने तक अच्छे से, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, लाइट ब्राउन ना हो जाए, हम इसे फ्राई कर लेंगे। चलिए जी व्यूअर्स, ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास दूध रखा हुआ है तो मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1/3 कप इसमें दूध शामिल करके इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए या दूध ड्राई होने तक इसे भून लूँगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं दूध सारा ड्राई हो चुका है। अब जो यहाँ पे शीरा रेडी हो चुका था, अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी ड्राई होने तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। बीच में मैंने थोड़ा सा पानी और भी आधा ग्लास ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे जो खोया रखा हुआ है मेरे पास, अनस्वीटेंड खोया है, वो ऐड कर दूँगी इसमें अराउंड 2 टेबल स्पून जितना, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी व्यूअर्स, ये मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स थे वो मैं थोड़े से डाल दूँगी अभी, और कुछ मैंने बचा के रखे हैं गार्निशिंग के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए जी व्यूअर्स, ये हमारे मज़े मज़े की जो है सेवैयाँ रेडी हो गई है। बहुत ही
मज़े की और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो व्यूअर्स आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। लुक भी बहुत अच्छा आया है, परफेक्ट टेक्सचर आया है। और बीच में अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं फ्रेग्रेंस देने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ऑयल भी आप घी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। तो व्यूअर्स आप लोग ज़रूर ये झटपट सी बनने वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी दे दीजिएगा। साथ में जो बेल का आइकन है आप वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।